दो अवैध पिस्तौल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, पुलिस को देख के भागने की कोशिश। नमस्कार, देखिए निभाड़ा की विशेष खबर। निभाड़ा कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर दो अवैध पिस्तौल और एक 12 बोर बंदूक जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी सदाम पिस्तौल को बेचने की फिराक में था। एएसआई सूरज कुमार के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम दिया। एएसआई सूरज कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल रतन सिंह, अमित कुमार, राकेश, विजय सिंह व अशोक की टीम गठित की गई। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा निवासी मोहम्मद शरीफ उर्फ भोला उर्फ सदाम पुत्र रहीस खां पठान के पास अवैध पिस्तौल व 12 बोर बंदूक है, जिसे उसने अपने घर में छुपा रखे हैं, जिन्हें बेचने की फिराक में एएसआई सूरज कुमार पुलिस जाप्ता के साथ कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा स्थित आरोपी के घर पर पहुंचे, जहां पर मोहम्मद शरीफ उर्फ भोला उर्फ सदाम ने पलंग पर एक 12 बोर बंदूक खोलकर रख रखी थी तथा पास में एक बैग पड़ा हुआ था। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भागने लगा, जिसको पकड़कर जांच की तो पिस्टल मिली। आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।